बीच में कुछ वीडियो नहीं शूट कर पा रही, गर्मी बहुत ज़्यादा है। अभी आज सुबह मुझे चावल के पेड़ लगा दिया है, नहाना धोना हो गया है और यहाँ पर चाय पीनी थी। अभी सुबह के बज रहे हैं 7:30 और आप देख सकते हैं मौसम कितनी तेज है। गैस चूल्हा है उसको बाहर रख दिया है खुले में, क्योंकि अंदर किचन में बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है। यहाँ पर चाय बन जाएगी, फिर उसके बाद देखेंगे नाश्ता वगैरह क्या बनाते हैं, ब्रेड वगैरह जो है सेक के सबको खा लेंगे। चलिए पहले चाय। तो फिर देखिए ये हमारे यहाँ कुछ फ्लावर्स आए हुए हैं जो कि गुड़हल के हैं। रोज़ सुबह मतलब इसी तरीके से, आज तो बहुत कम है नहीं तो बहुत सारे खिलते हैं फूल। और मौसम बिल्कुल साफ़ है, धूप बहुत तेज़ है। यहाँ पर चाय खोलने लगी थी तो इसमें डाल दिया है दूध और अच्छे से इसको खोला लेंगे। जब अच्छे से पक जाएगी चाय तो फिर उसके बाद सब कुछ छान के दे देंगे चाय, सब लोग चाय पियेंगे। चाय साथ में नमकीन बिस्किट सब ने खाया। और फिर उसके बाद दूध आ गया था तो उसे दूध भी रख दिया है गर्म होने के लिए। और साथ ही खाने की तैयारी कर लेंगे क्योंकि गर्मी की वजह से दोपहर का नहीं रखते हैं, सुबह ही 10 बजे तक सारा काम निपटा देते हैं। तो यहाँ पर ये कच्चे आम हैं 1 किलो देसी वाले, तो इनको इस तरीके से छोटे छोटे पीसेस में कट कर लेंगे। और इनकी जो ये गुठली है इसको धूप में सुखा लेंगे, क्योंकि फिर ये सूखे हुए जो हैं इनको स्टोर करके रख लो। तो आगे जब कभी सब्जी वगैरह बनाते हैं जैसे आलू बैंगन या कद्दू वगैरह, उसमें यूज़ करने के लिए खट्टे के लिए सही रहता है। और यहाँ पर सारे आम हमने कट कर लिए थे पीसेस में। फिर यहाँ रख दिया है कढ़ाई, कढ़ाई में डाला है तेल और 2 बड़े चम्मच के करीब हमने तेल डाला है। तेल गर्म हो गया तब डाल दिया इसमें हमने जीरा, और जीरे के साथ ही हमने इसमें सौंफ डाला है। पहले सौंफ डाला है फिर जीरा डाला है, और फिर इसमें हम डाल देंगे हींग। तो यहाँ पर जीरा और सौंफ हमारा अच्छे से पक चुका है तो इसमें हमने हींग डाल दिया है। और हींग डालने के बाद इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। और फिर उसके बाद जो हमने कच्चे आम कट करके रखे थे पीसेस में वो आम ऐड कर देंगे, और अच्छे से इसको मिक्स करते हुए नमक वगैरह डाल के, और फिर हम ढक के इसको पका लेते हैं। तो यहाँ पर इसको अभी 1 मिनट के लिए हम भून लेंगे तेल के साथ में, मसाले जो हमने डाले हैं उसके साथ में। तो यहाँ पर अभी टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाला है, अभी ये सेंधा नमक है तो इसको ऐड कर दिया है। इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और नमक डालने के बाद तुरंत ही मतलब इसमें पानी छूटने लगता है, तो इसमें पानी डालने की ज़रूरत नहीं है। इसी तरीके से आप मिक्स कर दीजिए और ढक के धीमी आंच में इसको पकने देना है। तो अभी हमने इसमें प्लेट ढक दी है और दूसरी तरफ तब तक हम सब्ज़ी बनाने की तैयारी करते हैं। तो यहाँ पर ये कुंदरू है तो इसको इस तरीके से लंबे लंबे पीसेस में कट कर लेंगे पतले पतले। तो आप चाहें तो इसको गोल पीसेस में भी कट कर सकते हैं, मैंने इस तरीके से कट किया है। और उसके बाद इसको सारे ऐसी तरीके से कट करके फिर हम इसकी सब्ज़ी बनाएंगे। बहुत टेस्टी बनती है सब्ज़ी, पराठे के साथ में बहुत ही टेस्टी लगती है। तो यहाँ पर सारी जो कुंदरू है उसको कट कर लिया था। यहाँ पर फिर से एक दूसरी कढ़ाई रखी है, उसमें डाला है तेल और इसमें थोड़ा तेल ज़्यादा जाएगा। तो यहाँ पर हमने करीब 3 चम्मच के करीब हमने तेल यूज़ किया है। जब तक उधर तेल गर्म हो रहा है, और यहाँ पर देखिए हमारी जो कच्ची आमी थी वो अच्छे से गल चुकी है, बिल्कुल एक भी मतलब पीसेस नहीं रह गए हैं, सारे गल चुके हैं। तो यहाँ पर हम इसमें अभी जो सूखे मसाले हैं वो ऐड करेंगे। तो यहाँ पर हमने डाला है हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर और धनिया पाउडर, गर्म मसाला, ये सारी चीज़ें हम इसमें ऐड कर देंगे। और उसके बाद इसको अच्छे से मिक्स कर दिया है
सारे मसाले अच्छे से मिक्स कर लेंगे, थोड़ी देर के लिए पका लेंगे इसी तरीके से चलाते हुए। और फिर इसमें हमने डाला है करीब 250 ग्राम के करीब इसमें ये चीनी है, एक बड़ी कटोरी, तो उसको ऐड कर दिया है। और इसको इस तरीके से चला लेंगे, थोड़ा सा चीनी जो है वो अच्छे से मेल्ट हो जाएगी। और थोड़ा सा हमने इसमें पानी ऐड किया है और इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे जब तक ये खदकने लगेगी। और थोड़ी देर के लिए फिर से ढक के हमें पकाना है। और ये हमारा बहुत ही टेस्टी गलका तैयार हो गया है। आप इसको मतलब पूड़ी पराठे किसी के साथ भी खा सकते हैं, चटनी के तरीके भी यूज़ कर सकते हैं। ये खूब मीठी चटनी बहुत ही टेस्टी लगती है। हमने इसमें पीसेस नहीं रखे, इसको बिल्कुल चटनी की फॉर्म में ही बनाया है। अभी इसको हम ढक देंगे और जब तक ये हमने इधर किया कच्चे आम को मतलब अच्छे से सब मिक्स कर दिया है मसाले वगैरह, तब तक इधर हमारा ये तेल भी गर्म हो चुका है सब्जी के लिए। तो यहाँ पर अब हमने इसमें डाला है जीरा, और थोड़ी सी हींग। और इसको जब जीरा हमारा अच्छे से तड़क गया है तो हमने डायरेक्ट इसमें जो कुंदरू कट करके रखे थे वो ऐड कर दिए हैं, सारे कुंदरू को ऐड करके। और अच्छे से हमें भून लेना है इसको चलाते हुए। तो इसको तेल में ही इस तरीके से भूनना है हमको। और यहाँ पर अभी हम इसमें नमक ऐड कर देंगे तो ये अच्छे से पक जाएंगे। और नमक ऐड करने के बाद हमें पूरा अच्छे से मिक्स कर देना है कुंदरू को। और बस अब हम इसको ढक देंगे, ढक के पका लेंगे। तो करीब 5 मिनट के लिए हमें इसी तरीके से ढक के पकाना है। और जब तक ये हमारी इधर सब्जी पकेगी तब तक देख लेते हैं उधर हमारा गलका किस तरीके से क्या हुआ है। तो यहाँ पर देखिए ये गलका जो है इसको देखा तो अच्छे से खदक रहा है, बहुत अच्छे से पक चुका है और बहुत ही टेस्टी बना था ये। आप चाहें तो चीनी की जगह में गुड़ यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर हमने सबसे लास्ट में डाला है 1 चम्मच के करीब काला नमक। काला नमक डालने से इसका टेस्ट बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है। तो यहाँ पर ये गलका हमारा बनके तैयार है, इसको रख देते हैं ठंडा होने के लिए। उसके बाद दूसरे बर्तन में कर लेंगे। और अभी देखते हैं अपनी सब्जी। तो यहाँ पर अभी देखा तो सब्जी हमारी जो है वो भुन चुकी है अच्छे से। आप देख सकते हैं जो कुंदरू का कलर है वो काफ़ी हद तक चेंज हो चुका है। तो अब इसमें हम ऐड कर देंगे अपने जो सूखे मसाले हैं वो। तो यहाँ पर देख रहे थे तो ये अभी बड़ी आसानी से टूट रहा था, तो काफ़ी हद तक भुन चुके हैं। तो अभी इनको हाई फ्लेम पे 1-2 मिनट के लिए और भून लेते हैं। अब इसमें हम डाल देंगे अपने सूखे मसाले। तो यहाँ पर हल्दी डाली है हमने 1/2 चम्मच, और जो ये धनिया पाउडर है ये डाला है 2 बड़े चम्मच। धनिया पाउडर थोड़ा ज़्यादा ही पड़ेगा इस सब्ज़ी में। और यहाँ पर थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर डाला है, गरम मसाला डाला है। और हमने इसमें ऐड किया है जो हम चटनी लेके आए थे वो, तो उसको करीब 2-3 चम्मच हमने ऐड किया है। और बस इसको अच्छे से अब हमें मिक्स कर देना है सारे मसाले को। और आप देख सकते हैं सारा जो कुंदरू है वो सारे मसाले अच्छे से मिक्स हो चुके हैं सब्जी में। बस अभी हमें इसको इसी तरीके से भून लेना है और फिर ढक देना है, ढक के फिर हमें इसको पकाना है। तो यहाँ पर हमने इसमें फिर से प्लेट ढक दी है, और जब तक ये हमारी कुंदरू बनेगी तब तक हमने आटा भी लगा के रख लिया है।
और ये देखिए हमारी कुंदरू जो है वो बन के तैयार है, अच्छे से पक चुकी है, भुन चुकी है। और बहुत ही टेस्टी बनी थी कुंदरू, सबको पसंद आई। बच्चे ने भी खाया, मतलब बड़ी वाली बेटी को भी पसंद आया, छोटी वाली बेटी ने तो नहीं खाया है। तो चलिए अभी बना लेते हैं पराठे। सब्जी को रख दिया है साइड में, रख देते हैं गैस के ऊपर तवा। तवा जब हमारा अच्छे से गर्म हो जाएगा तब हम पराठे बनाना स्टार्ट करेंगे। तब तक अपने हम लोई वगैरह है वो कट कर लेते हैं। और तवा हमारा अच्छे से गर्म हो चुका था तो हमने पहली रोटी जो है वो गाय की निकाली है। तो यहाँ पर ये छोटी सी जो रोटी बनी है ये हमने गाय की निकाली है। इसमें हमने जो गलका बनाया था वही रख के और गाय को खिलाया था। तो अभी हम बना लेते हैं पराठे। तो जो सब्जी बनाई है कुंदरू की उसमें पराठे ही बहुत टेस्टी लगते हैं। पराठे बना लेंगे, सबको नाश्ता कराएँगे। यहाँ पर हमने बिल्कुल सिंपल से गोल गोल ही पराठे बनाए हैं और इस तरीके से बहुत जल्दी हो जाता है। उसमें ट्रायंगल बनाओ या किसी और तरीके से तो उसमें टाइम लगता है, तो इसीलिए इस तरीके से जल्दी जल्दी से बना लिए थे। देखिए बिल्कुल क्रिस्पी से पराठे हमारे बन के तैयार हो गए और बाकी के पराठे भी इसी तरीके से बना लेते हैं। तो फ्रेंड्स हमने पराठे जो हैं वो बना लिए हैं और अब हम नाश्ता लगा देते हैं पापा के लिए। तो यहाँ पर ये प्लेट हमने लगाई है पापा के लिए। तो यहाँ पर जो सब्जी बनाई थी कुंदरू की वो है, दो पराठे और गलका। अभी पापा को देते हैं नाश्ता करने के लिए और तब तक फिर जो बच्चे हैं वो भी पराठे बना लेंगे और हमने पराठे वगैरह बना लिए हैं। तो यहाँ पर देखिए ये है गलका और ये रही हमारी सब्जी जो कि बहुत ही टेस्टी बनी है। और ये रहे हमारे पराठे। तो हमने सारा खाना जो है बना कर रख लिया है और सब ने खा भी लिया है। तो अभी अपने लिए भी हम थाली लगा लेंगे और मेरे साथ छोटी वाली बेटी भी खाएगी क्योंकि वो अभी नहीं खाई है। तो यहाँ पर देखिए ये प्लेट है वो लग गई है और यहाँ पर नाश्ता वगैरह करने के बाद हमने सारा काम भी निपटा दिया, बर्तन वगैरह धुल लिए और सारा साफ कर लिया है। यहाँ पर देखिए ये तख्त के नीचे बर्तन रखे हुए हैं धुले हुए और यहाँ पर गैस वगैरह भी हमने अच्छे से साफ कर लिया है। ये देखिए घर पर कबूतर आया है, ये वाइट कलर का, देखने में कितना अच्छा लग रहा है। और इसको उड़ा रहे थे कि ये उड़ जाए तो उड़ भी नहीं रहा था, इसी तरीके से बैठा हुआ था। तो देखिए सारा जो गैस वगैरह है ये सब हमने साफ कर लिया है, सब कुछ अच्छे से क्लीन कर दिया है। और चलिए बाकी का और काम कर लेते हैं। फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए ये
इधर ये जो टॉवल फैलाई थी उसके ऊपर आके बैठा है कबूतर। तो फ्रेंड्स सारा काम हो चुका है और बर्तन वगैरह भी सब धुल गए हैं, मतलब सुबह का सारा काम हो चुका है। अभी करीब बज रहे होंगे 11। इस वीडियो को अब यहीं तक रखेंगे। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए और जो भी कुछ भी सजेशन हो उसको आप कमेंट्स में बता सकते हैं कमेंट्स बॉक्स में। तो प्लीज़ आप लोग लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। बाय, थैंक यू।